हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप घर में पड़ी पॉलीथीन से कैसे ब्यूटीफुल फ्लावर्स बना सकते हैं। और मैंने जो फ्लावर्स बनाए हैं उसे इस पास में लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये सुंदर लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लगता कि हमने इसे पॉलीथीन से बनाया हुआ है। तो ये मेरे पास कुछ कलरफुल पॉलीथीन्स हैं। अगर आपके पास कलरफुल पॉलीथीन नहीं है तो आप वाइट पॉलीथीन आपको इजीली मिल जाएगी, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास जो पॉलीथीन है वो थोड़ी सी उसमें सिकोड़ है, तो यहाँ पे जो मेरे पास पॉलीथीन है उसमें बहुत ही ज़्यादा सिकोड़ है, तो उसे मैं प्रेस की हेल्प से बिल्कुल सीधा करूँगी। तो यहाँ पे जो प्रेस का टेम्परेचर है बहुत ही ज़्यादा लो है, आप देख ही सकते हैं। मैंने पॉलीथीन के ऊपर पहले न्यूज़पेपर रखा हुआ है, उसके बाद मैं इस पर प्रेस कर रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो पॉलीथीन है काफ़ी हद तक सीधी हो चुकी है। और अब ये मेरे पास ये दूसरी पॉलीथीन है, इसे भी मैं सेम तरीके से सीधा कर लूँगी प्रेस की हेल्प से। अब हम इस पॉलीथीन के पीछे और आगे के हिस्से को काट के अलग कर देंगे। इसके बाद हम इसे बीच से भी कट कर लेंगे। अब हमें चाहिए कुछ पतले वायर्स और एक हमें चाहिए ढक्कन। तो ढक्कन पे हम पेटल्स का शेप देंगे। आपको ये पतले वायर्स, आप चाहें तो इसे आप हार्डवेयर की शॉप से ख़रीद सकते हैं, या फिर आपको जहाँ पे लेस मिलती है वहाँ पे आपको ये आसानी से मिल जाएगा। अब जो हमने वायर का पेटल्स बनाया था उसे हमें पॉलीथीन से कवर करना है और धागे से हमें इसे बांध देना है। इसे हमें बहुत ही अच्छे से बांधना है और इसमें दो तीन गठान लगानी है ताकि यह निकले नहीं। अब जहाँ से हमने धागे को बांधा हुआ है उसके नीचे की जो एक्स्ट्रा पॉलीथीन है उसे हमें कट करके अलग कर देना है। इसी तरीके से हमें पांच पेटल्स बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पे पांच पेटल्स बना लिए हैं और मैं पहले अब तीन पेटल्स लूँगी और इसे थ्रेड की हेल्प से बांधूँगी। अब हमें बाकी के दो बचे पेटल्स लेना है और उसे भी बांध देना है अच्छे से। अब हम इन पेटल्स से फ्लावर का शेप देंगे। और अब हमें चाहिए फ्लावर टेप। ये टेप आपको लेस की दुकान में इजीली आपको मिल जाएगा। तो अब हम इसे नीचे से कवर करना शुरू करेंगे। जिससे भी ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये पॉलीथीन का बना हुआ है। अब हमें फूलों के बीच में लगाने के लिए ये पोलन चाहिए, इसे पराग भी बोलते हैं हिंदी में। इसे हमें फूलों के बीच में लगाना है, तो इसकी हम दो तीन धागे लेंगे और बीच में फेविकोल लगा के इसे हम चिपका देंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना ज़्यादा ये सुंदर हमारा फूल दिख रहा है। इस तरीके से आप घर में पड़ी पॉलीथीन से फ्लावर्स बनाएं, आपको बाहर से आर्टिफिशियल फ्लावर्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही सस्ते और कम खर्चे में ये फ्लावर्स बनके तैयार हो जाते हैं। अब मेरे पास ये पॉलीथीन पड़ी हुई थी तो मैं इससे भी कुछ फ्लावर्स बनाऊंगी। आप चाहें तो उस तरीके से फ्लावर बना सकते हैं या फिर पहले आप एक एक पेटल्स बनाएं और इसे आप फ्लावर टेप से कवर करें, इसके बाद आप चाहें तो फ्लावर बनाएं, या फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है आप वैसे भी फ्लावर्स बना सकते हैं। आपको जो तरीका इजी लगे और अच्छा लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं। तो मेरे पास जो भी पॉलीथीन पड़ी हुई थी उन सारी पॉलीथीन से मैंने फ्लावर्स बना लिए हैं। अब हमें पॉलीथीन का छोटा सा टुकड़ा चाहिए और कॉटन चाहिए और हमें छोटा सा वायर चाहिए। इसे हम बीच में लगाएंगे और इसे अच्छे से कवर करके थ्रेड की हेल्प से अच्छे से बांध देंगे। अब जो एक्स्ट्रा पॉलीथीन है उसे हम कट कर देंगे। अब जो हमने धागे से बांधा हुआ है और ये जो वायर है उसे हमें फ्लावर टेप से कवर कर देना है ताकि ये बिल्कुल भी ना दिखे। ये फ्लावर टेप है आपको 20 रुपये में मिल जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इसकी क्वांटिटी होती है। और ये जो वायर मैंने ख़रीदा हुआ था ये 10 रुपये का था, तो बहुत ही कम कॉस्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ्लावर्स बनके तैयार हो जाते हैं। अब इसी तरीके का मैंने यहाँ पे 2 और बना लिया है। अब हमें इसे एक के नीचे एक लगा के इसे हमें फ्लावर टेप से बांधना है। इसे हमें बहुत ही अच्छे से टाइट बांधना है और बहुत ही ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है कि हमारा टेप जो है वो टूट जाए, क्योंकि ये जो टेप है बहुत ज़्यादा पतला होता है। अब हमें इस तरीके का मोटा वायर चाहिए। ये वायर आपको हार्डवेयर की शॉप में इजीली मिल जाएगा। तो अब हम इस वायर में इन सबको अच्छे से फ्लावर टेप की मदद से बांधेंगे जो हमने फूल बनाया हुआ है। अब हमें इन फ्लावर्स को बहुत ही आराम आराम से और टाइटली फ्लावर टेप से बांधना है।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी एक फ्लावर की ब्रांच जो है वो रेडी हो गई है। तो इस तरीके की मैंने 3 ब्रांचेस रेडी की हुई है। आप चाहे तो और भी ज़्यादा ब्रांचेस रेडी कर सकते हैं। ये बिल्कुल आर्टिफिशियल फ्लावर की तरह ही दिखता है, बिल्कुल भी नहीं लगता कि हमने इसे पॉलीथीन से बनाया हुआ है। तो ये मैंने 2 और ब्रांचेस बनाई हुई हैं, आप बताइएगा आपको कैसी लग रही है। इस तरीके से पॉलीथीन को रीयूज करने का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका है ये। आप इस तरीके से फ्लावर्स ब्रांचेस बना सकते हैं, जिससे आपको बाहर से आर्टिफिशियल फ्लावर्स नहीं खरीदने पड़ेंगे। तो मैंने इसे अपने फ्लावर बास में लगा लिया है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये दिख रहा है। फ्रेंड्स, आपको ये कैसा लगा आज का मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।